सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन यू इन आकाश टेम एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे आप लोगों के WBJ के रिफंड पॉलिसी के बारे में। इनका जो रिफंड पॉलिसी है एकदम घटिया, एकदम बेकार पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली में अगर WBJ बोर्ड खुद जो रिटर्न पॉलिसी है खुद अपने हाथ में रखती तो मुझे लगता है इतना प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स को फेस नहीं करना होता। बट इस टाइम पे WBJ बोर्ड क्या करती है, पूरा चीज़ कॉलेज के ऊपर डाल देती है और कॉलेज अपने मन मर्जी के ऊपर पूरा रिफंड पॉलिसी चलाती है। इसलिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पिछले साल भी हुआ था एंड इस साल भी पॉलिसी सेम है। आई थिंक स्टूडेंट्स को फिर से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो टोटल चीज़ क्या है, चलो इस वीडियो में एक बार जान लेते हैं। तो उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, जो चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना, बिकॉज आकाश टेम एजुकेशन पे ऐसी WBJ रिलेटेड आपको सब टाइप्स की वीडियो मिलती रहेगी। एंड एज वेल एज मैं बोलना चाहता हूँ, वीडियो के लास्ट में मैं और एक वीडियो का एक ऑडियो क्लिप मैं जोड़ दूंगा, जो एक जो मेरे स्टूडेंट हैं वो बोर्ड पे कॉल किए थे, बोर्ड उनको क्या बोले रिफंड पॉलिसी के बारे में, वो भी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जनरल रूल्स पे उन्होंने एक चीज़ टोटली बोल दिया है कि द सीट एक्सेप्टिंग फीस पेड बाय द कैंडिडेट हु कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस विल बी रेमिटेड टू द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट आफ्टर कोर्स ऑफ ई काउंसिलिंग। तो आपको ई काउंसिलिंग होने के बाद आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आपने पे किया है वो कॉलेजेस को बोर्ड जो है ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, इन केस द कैंडिडेट डज नॉट वांट टू ज्वाइन द कोर्स और डज नॉट कंटिन्यू ऑन द इंस्टीट्यूशन, तो आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, आई थिंक आपका अगर मन चाह कि नहीं भाई ये इंस्टीट्यूट हम नहीं लेंगे, बिकॉज आपको बाद में जाके पता चला कि इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है और कोई दूसरे रीजन की वजह से आप जो इंस्टीट्यूशन को जो है वो कोर्स को जो है छोड़ना चाहते हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि और ही और सी विल हैव टू अप्लाई द इंस्टीट्यूट फॉर द रिफंड। आपको इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करना पड़ेगा रिफंड के लिए। ठीक है, WBJ बोर्ड विल नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी। ठीक है, WBJ बोर्ड इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लाइबिलिटी नहीं लेगी कि वेदर आपको वो जो कॉलेज है वो पैसा आपको देगा या पैसा कुछ काट लेगा, काट के देगा या नहीं देगा, पूरा चीज आपके ऊपर निर्भर करती है। आप जो है कॉलेज के साथ डायरेक्ट वो आपको निपटना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, कॉलेज जो है स्टूडेंट्स को बहुत बहुत फंसाती है। यहाँ पे आप रूल्स पे देख ही सकते हो, यहाँ पे बोला गया है कि रिफंड टू हिम ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आपका रिफंड हो जाएगा 60-90 डेज के अंदर ही आपका जो है रिफंड आपको देखने को मिलेगा। बट 60-90 डेज बोल के लास्ट ईयर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी, मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे जिनको अभी तक लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनको अभी तक रिफंड नहीं मिला। तो WBJ का ये पॉलिसी मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, बिकॉज अगर वो खुद रिफंड कर देते तो आई थिंक इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने आई थिंक ये चाल चली है, मैं नहीं जानता क्या होता, बट मैंने सुना था, मैंने 2-3 स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस में है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं मतलब दोस्त नहीं जानते, उस गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर मैंने ऐसा कंप्लेंट कभी नहीं सुना, बट प्राइवेट कॉलेज में मैंने कंप्लेंट सुना है जहां पे ये लोग जो है रिफंड करने में देरी करते बहुत टाइम, तो एक साल भर हो गया अभी तक रिफंड किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे हुआ है। तो इसीलिए एक रिफंड पॉलिसी में प्रॉब्लम है। बट मैं आपको बोलता हूँ, तो रिफंड जो है आपको रिफंड आपका मिल जाएगा। तो अभी आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट मेरे जो स्टूडेंट कॉल किए थे बोर्ड पे उनके साथ बोर्ड का क्या बातचीत हुई। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन बंगाली में है तो हिंदी जो स्टूडेंट्स हो वो आई थिंक समझ नहीं पाएंगे, बट डोंट वरी, आपको मैंने पूरा चीज़ यहाँ पे बोल दिया। तो आप भी जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आपको मैं सतर्क करूँगा कि प्लीज़ कॉलेज में जब भी आप एडमिशन लो, रिफंड पॉलिसी के बारे में पहली बात कर लो कि मैं अगर रिफंड लूं तो आप लोगों का क्या क्या पॉलिसीज है और कब तक आप रिफंड दे पाओगे, ये पूरा चीज जान के एडमिशन लेना। रिफंड आपका जरूर हो जाएगा, पूरा पैसा रिफंड हो जाता है, बट बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस, तो प्लीज बी अवेयर ऑन दैट मैटर। तो अभी चलिए सुन लेते हैं कॉन्वर्सेशन। हेलो सर, सर हमें ये बच्चे WBJ नीट हमारा एक क्वेरीज ছিল করতে পারি। বলছি স্যার, মপা গ্রাউন্ডে বসার জন্য কি আমাকে মানে অ্যাডমিশন কলেজে নিয়ে নিতে হবে, এটা কি ম্যান্ডেটরি নাকি আমি ডাইরেক্ট বসতেও পারি মপা গ্রাউন্ডে? কলেজে অ্যাডমিশন নিলেও বসতে পারবে আর না নিলেও বসতে পারবে। আচ্ছা, মানে এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে আমার কলেজের ফিস দিয়ে সিটটা বুক করে তারপরে যেতে হবে? কোন কলেজে? তখন তোমাকে দিয়ে নিতে হবে। তো এটা তুমি কি অ্যাডমিশন নেবে না উইথড্র করবে সিটটা? সিটটা উইথড্র করলেও মপ আপে যেতে পারবে। সিটটা যদি আমি উইথড্র করি তাহলে সিটটা তো আমার থাকবে না? না। আচ্ছা, মানে তুমি পেলে তো আবার অন্য কলেজে, তখন এটা থাকবে না,
শ্রীরামপুর বেরিয়ে যাবে। না না ধরুন মা বাবা আমি অন্য কলেজ যদি বাই চান্স আমার কোনো মানে ওর থেকে লোয়ার গ্রেড করে চলে এলাম, যদি না নিখি যেটা তাহলে ওই সিটটা আমি পাবো না। না না থাকবে না ওই সিট। আচ্ছা মানে আমাকে অ্যাডমিশন নিয়ে তারপর আমাকে যা করা করতে হবে ওটা আমি সিট উইথ করে নিতে হবে। হুম 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 আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। অ্যাডমিশন নিলে অ্যাডমিশন পরে মা বাবা পেলে যেহেতু টাকা পয়সা দেবে তোমাকেই কলেজের সাথে বুঝে নিতে হবে, আমরা কোনো কিছু ইন্টারফেয়ার করবো না। तो आप सब लोगों ने सुना आई थिंक कॉल रिकॉर्डिंग, मैंने आप सब लोगों को सुनाया कि यहाँ पे क्या चल रहा था टोटल चीज़ें। यहाँ पे लास्ट पे जो बोर्ड की तरफ से बोला गया कि आपने जो पैसा पे करोगे वो आपको ही जो है समझ लेना पड़ेगा कॉलेज के साथ, आपको ही निपटाना पड़ेगा कि कॉलेज रिफंड देगा नहीं देगा, जो भी होगा आपको कॉलेज के साथ निपटाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक स्टूडेंट जो बिहार से है, झारखंड से है, वेस्ट बंगाल से भी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, उन लोगों के लिए हर दिन कॉलेज में जाना और रिफंड के लिए मतलब मांग करना ये बहुत प्रॉब्लम फुल थिंग है। इसीलिए एक्चुअली मैं इसको मैं स्कैम बोलना चाहता हूँ, बिकॉज वेब जी जो है इसके ऊपर जरूर एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज ये जो रिफंड पॉलिसी है मुझे एकदम ठीक नहीं लगता। आपको क्या बोलना चाह आप लोग क्या बोलना चाहते हो इसके ऊपर प्लीज बोलना, वीडियो को शेयर करना, बिकॉज मुझे लगता है कि और भी लोगों के पास ये चीज़ जाना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए, डब्ल्यू बी जे के पास ईमेल जाना चाहिए कि हाँ भाई इसको चेंज करो, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा नहीं हो रहा। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, तो आज के लिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।